बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा, जिसके लिए हमने 1 किलो चिकन ले लिया है, 2 अदर टमाटर लिए हैं, उनको मोटा मोटा काट लिया है, अदरक लिया है, उसको भी मोटा मोटा काट लिया है, 5 से 6 अदद लौंग लिए हैं, नमक हसबे जायका, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, सूख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 अदद बादियान का फूल, 3 अदद छोटी सब्ज़ इलायची, दालचीनी के स्टिक्स, ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून और साबुत काली मिर्च, 1 पूरा लहसुन का पॉट लिया है और उसको छील लिया है, 2 अदद प्याज लिए हैं, उनको स्लाइसेस में काट लिया है। कुछ चीज़ें हमें गार्निश के लिए चाहिए, जैसा कि हरा धनिया, हरी मिर्च, लीमू और अदरक। जब कोरमा तैयार हो जाएगा तो हम इनको कट करके उसके ऊपर डालेंगे। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर डालेंगे प्याज और लहसुन। अब इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप पानी डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब दूसरी तरफ टमाटर और अदरक जो हमने मोटा मोटा काट के रखा था, उनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। अब इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये प्याज और लहसुन, जिनको हमने 10 मिनट के लिए पकाया था, इनको भी ग्राइंडर में डालेंगे और 1 से 2 दफ़ा मशीन को चलाएंगे और इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पसंद है। अगर आप प्याज को बिल्कुल बारीक करना चाहते हैं तो आप उस तरह कर लें, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे। ये देखें, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है, नॉर्मल है। तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है और उसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब सारे साबुत मसाले इसके अंदर डालेंगे। एक से डेढ़ मिनट तक इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे। जैसे ही बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ जाए, हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और चिकन इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे और चिकन का कलर चेंज होने तक इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें, चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको साइड पर रखेंगे और मसाला तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर दरदरा पिसा हुआ प्याज और लहसुन डालेंगे। अब 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। बाकी बचे हुए मसाले ऐड करेंगे और दोबारा से भूनेंगे। साइड पर रखा हुआ टमाटर और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। जब सारे मसाले अच्छी तरह से भून जाएं तो इसके अंदर 1/2 कप दही ऐड करेंगे। अब फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे।
एक से 1.5 मिनट तक चिकन को मसाले के साथ भूनेंगे। एक अदद लीमू का रस डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें पानी डालकर चिकन को गलने तक पकाएंगे। आप इसकी जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस लिहाज से पानी डालें। हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे ताकि उसमें चिकन पक भी जाए और बाद में भी थोड़ी सी ग्रेवी बच जाए। ये देखें, ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, यानी कि चिकन कौरमा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब बारीक पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर डालेंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको गार्निश करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बारीक लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डालेंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन कौरमा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल अराई फूड प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।